हाँ जी बेटा लोग, आई होप वाइंडिंग अप समझ आ रहा है आपको। काफी निपटा लिया, आगे बढ़ रहे हैं। अब आता है सेक्शन 328 जो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस की बात करता है। तो ये लेक्चर में पूरा फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस के बारे में टॉक करेंगे हम, आसान लगेगा। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस शब्दों में जाइए, आप फ्रॉड कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब है किसी को धोखा दे रहे हैं, और प्रेफरेंस मतलब आप किसी को प्रेफर कर रहे हैं। प्रेफर कर रहे हैं इसका मतलब आप उसके साथ पार्शियल हो रहे हैं। इसका मतलब है उसको वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो उसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसका बेटरमेंट कर रहे हैं। तो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का मतलब है कि कंपनी जो है वो डेटर है। इसका मतलब है इंडेटेड है किसी के, उसने पैसे देने हैं। किसके पैसे देने हैं? वो बंदा हो गया क्रेडिटर। और हो सकता है ये जो लोन कंपनी ने लिया है जिसकी वो डेटर है, उसके लिए उसने श्योरिटी भी रखा हो, कोई बंदा हो जिसने श्योरिटी भी दी हो इस क्रेडिटर को। तो तीन पार्टीज हो गई, एक कंपनी जिसने पैसा देना है, एक हो गया क्रेडिटर जिसका पैसा देना है, और एक हो गया श्योरिटी जिसने इस गारंटी की, इस लोन की गारंटी दी है। तो हो सकता है श्योरिटी सीन में हो सकता है श्योरिटी सीन में ना हो, राइट। अब अगर कंपनी को पता है कि जी अभी आपको मालूम है बुरे दिन आते 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 हैं, अचानक थोड़ी ना आ जाते हैं। तो अगर कंपनी को मालूम है कि हमें ऐसा दिन आने वाला है जब हमें लिक्विडेशन के लिए या वाइंडिंग अप के लिए ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा या कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, तो फिर ऐसे में अगर वो किसी क्रेडिटर को अपनी कोई एसेट, या अनसिक्योर्ड है, मान लीजिए स्टोरी बना लीजिए कि ये जो क्रेडिटर है ये अनसिक्योर्ड है, अब अगर वो इस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को अपनी कोई प्रॉपर्टी दे दे, बोले कि जी ये आपकी फेवर में हम गिरवी रख देते हैं, जिससे कि कल को अगर हमारे बुरे दिन आए, जो कि आ रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप हमारे अपने, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। होगा कोई अपना भाई बंधु सगा जिसके लिए वो ऐसे कर रहे होंगे? नहीं। कौन लोग? डायरेक्टर्स लोग, और कौन जो मैनेजमेंट में हैं, बड़े लेवल के ऑफिसर्स। तो वो क्या कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर को एक प्रेफरेंस दे रहे हैं जो उसको नहीं मिलनी चाहिए। उसको अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड कर देना, इसका मतलब है उसकी फेवर में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख देना, जिससे कि कल को अगर हम प्रॉब्लम में आए तो तू प्रॉब्लम में ना आए। तू हमारा भाई, तू हमारा अपना, तू ये जो प्रॉपर्टी हम सिक्योर कर रहे हैं इसको बेच के तू तो साइड हो जाइयो ना, पैसे निकाल लियो, तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। अब आप बताओ ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? जस्ट बिफोर वाइंडिंग अप आप ऐसे काम करते हो, ये गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी इसकी फेवर में सिक्योर कर दी, तो बाकियों का क्या? जो बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बैठे हैं, एक के साथ फेवर क्यों कर रहे हो? अपना है इसलिए, या कोई भी रीजन हो सकता है, उसने क्या फायदा किया तुम्हारा जो तुम उसका फायदा करने बैठ गए, और दूसरों का नुकसान। तो जब किसी के नुकसान पे आप किसी का फायदा करते हो, किसी का फायदा करते हो, गुड, यू आर अ नाइस पर्सन, लेकिन आप किसी के नुकसान पे किसी और का फायदा करते हो, ये कहां की समझदारी है, इंसानियत है? फिर तो धोखेबाज हो गए ना आप। समझ आया आपको मैंने क्या बोला? या फिर ये तो हो गया जिसमें मैंने श्योरिटी का नाम ही नहीं लिया, या फिर मान लीजिए कंपनी है वो अपने क्रेडिटर को जो पेमेंट अभी नहीं बनती है वो पेमेंट कर देती है श्योरिटी के कहने पे, जिसने गारंटी दी है वो कहता है यार तुम लोग तो खत्म होने वाले हो, ऐसे मत करो, मैं तो मर जाऊंगा, तो तुम कुछ करो जिससे कि मेरे को प्रॉब्लम ना आए। तो कंपनी कुछ ऐसा करती है जिससे कि इस क्रेडिटर को पेमेंट मिल जाए और श्योरिटी को प्रॉब्लम ना आए। अब वो एसेट को गिरवी रख देती है, या जैसे भी कर देती है, बिफोर टाइम पेमेंट कर देती है, कुछ ऐसा कर देती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब जो दूसरों का हक था वहां से कुछ पैसा निकाल के इसको दे दिया, या जिस प्रॉपर्टी पे दूसरे का हक था वो प्रॉपर्टी को वहां से हटा के इसको दे दिया, ताकि तुम्हारा श्योरिटी प्रॉब्लम में ना आए। तो अगर आप क्रेडिटर का साथ दे रहे हो या श्योरिटी का, बात तो वही आ गई ना। इसका मतलब है आप अब कर क्या रहे हो? आप एक बंदे के साथ कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि, इसको समझो, आपके क्रेडिटर है, मिस्टर एक्स है या कोई भी है, कंपनी है, पर्सन है, कोई भी है ना, तो वो आपके क्रेडिटर है, आप कंपनी हो, आपने इसके साथ प्रेफरेंस करी, आपने इसके साथ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस करी। इसका मतलब है आपने कुछ ऐसा करा जो दूसरों का हक था लेकिन इसको दे दिया, और हुआ यूं कि जब लिक्विडेशन हुआ या वाइंडिंग अप में आप गए, तो
तो इस क्रेडिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ये अपना बिंदास आराम से अपने जगह पे बैठे और बिना कोई टेंशन के, क्योंकि इसको तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इसका मतलब है हुआ क्या, आपने इसकी पोजीशन बेटर कर दी ना। मान लो आपने फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस नहीं की होती तो फिर लिक्विडेशन के वक्त इस क्रेडिटर की पोजीशन वर्स होती ना, ये भी लाइन में लगा होता औरों की तरह या दिक्कत में होता। तो आपने इसकी पोजीशन बेटर करी दूसरों का हक छीन के, गलत है ना, ये मुद्दा चल रहा है। तो जब ट्रिब्यूनल को पता चलेगा जी एक इंसान के नुकसान करके दूसरे का फायदा कर रहे हैं और उसकी पोजीशन बेटर कर रहे हैं, वो पोजीशन जो अच्छी नहीं होती अगर ये फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस नहीं होता, दैट इज व्हाट इज फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। अब वो सिचुएशन तुमने क्रेडिटर की बेटर करी या श्योरिटी की, किसी की तो बेटर करी ना, दूसरे का नुकसान करके इनका कोई फायदा कर रहे हो ना आप, तो दिस इज फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। फिर ऐसे में जब ट्रिब्यूनल के पास मामला पहुंचेगा तो ट्रिब्यूनल कुछ भी ऑर्डर निकाल सकते हैं जिससे कि जो पोजीशन है वो रिस्टोर हो जाए, जो भी उन्हें सही लगेगा, वो आगे की बात है, वो आपका मेरा एरिया थोड़ी ना, ना हमारे एग्जामिनेशन का एरिया। एग्जामिनेशन में भी हम बस ये लिखेंगे कि जो ट्रिब्यूनल को सही लगेगा वो ऑर्डर पास कर देंगे। तो जिस समझ आ गया होगा चल क्या रहे, है ना, अब लैंग्वेज भी तो सीखनी है। कहता वेयर अ कंपनी हैज गिवन प्रिफरेंस टू अ पर्सन हु इज वन ऑफ द क्रेडिटर्स, या तो वो क्रेडिटर है या फिर वो श्योरिटी या गारंटर है। कंपनी की लाइबिलिटी है और उसके लिए उसने श्योरिटी दी हुई है, इसमें कंपनी डेटर है और वो श्योरिटी है, और या तो क्रेडिटर या श्योरिटी उसके साथ आप प्रेफरेंस दे रहे हो उसको गलत तरीके से। एंड द कंपनी डज एनीथिंग और सफर्स एनीथिंग डन, कुछ करती है या कुछ ऐसा करती है जिससे खुद को नुकसान होता है, विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग दैट पर्सन, या तो ये क्रेडिटर हो सकता है या श्योरिटी हो सकता है, इन टू अ पोजिशन। अब इसकी कैसी पोजिशन हो जाएगी, विच विल बी, ऐसे पढ़ो ब्लैक वाले को, विच विल बी बेटर देन द पोजिशन ही वुड हैव बीन इन, जो उस पोजीशन से बेटर हो जाएगी जिसमें वो होता, वुड हैव बीन इन मतलब जिस पोजीशन में वो होता, इफ दैट थिंग हैड नॉट बीन डन, अगर जो काम किया गया है ये वाला अगर ये ना किया गया होता तो फिर वो इस पोजीशन में नहीं होता, अभी वो बहुत अच्छी पोजीशन में। अब इसमें क्या था जो मैंने छोड़ दिया, इन द इवेंट ऑफ कॉमर्स था ना, इन द इवेंट ऑफ कंपनी गोइंग इन टू लिक्विडेशन। अब फिर से पढ़ते हैं, बोलता है कि कंपनी कुछ ऐसा करती है या अपना नुकसान करती है जिसका असर ये होता है कि वो बंदा, वो क्रेडिटर या श्योरिटी, अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो उसकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी उस पोजीशन से जिसमें वो होता अगर कंपनी ने ऐसा काम ना किया होता। और नॉर्मली ये सब काम जब वाइंडिंग अप पिटीशन आप फाइल करते हैं उसके पिछले 6 महीने के दौरान के होते हैं, जो कानून को समझ में नहीं आते कि आप ऐसे काम क्यों करते हो, क्यों किसी का नुकसान करके आप दूसरे का फायदा करते हो, राइट? तभी उसने बोल दिया ट्रिब्यूनल को जो सही लगेगा, कि उसको पता चला हाँ ये गड़बड़ हुई है, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हुआ है, तो फिर जो भी ऑर्डर सही लगेगा कर देगा, ऑर्डर एज इट में थिंक फिट फॉर रिस्टोरिंग द पोजीशन। क्लियर हो गया ना। अब सब सेक्शन 2 आता है इसी का, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब इसमें वो एक बात और कर रहा है, कहता है इफ द ट्रिब्यूनल इज सैटिस्फाइड दैट देयर इज प्रेफरेंस। ये कहानी भी वाइंडिंग अप जब आप पिटीशन फाइल किए उसके पिछले 6 महीने के दौरान की है, कि अगर इस 6 महीने के दौरान, 6 मंथ्स के दौरान ट्रिब्यूनल को सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि आपने कोई प्रेफरेंस करी है, मुद्दा तो वही चल रहा है ना, प्रॉपर्टी का लेन देन किया या गुड्स का लेन देन किया, पैसे का लेन देन किया, किसी भी तरह का कोई एग्जीक्यूशन हुआ है और प्रेफरेंस है उसमें, तो फिर ट्रिब्यूनल क्या बोल देगा, भैया ये इनवैलिड है। कहता है मे डिक्लेयर सच ट्रांसैक्शन एज इनवैलिड एंड रीस्टोर द पोजीशन, फिर उसको जो भी ऑर्डर करना होगा कर देगा, वो बोल देगा ये ट्रांजैक्शन ही इनवैलिड है, हम मानते ही नहीं इसको क्योंकि इसमें प्रेफरेंस है। इसका मतलब है पिछले 6 महीने आप वाइंडिंग अप के लिए जा रहे हैं, अगर आपने कहीं कोई प्रेफरेंस किया भी है तो ये 6 महीने के दौरान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आपको अच्छे से मालूम था आपकी हालत खराब है फिर भी आप किए जा रहे हो इस तरीके से किसी को फेवर, क्या मतलब है आपका। तो इसलिए प्रॉपर्टी कोई सी भी हो, मूवेबल इमूवेबल, फिर गुड्स, फिर पेमेंट, पैसा, तो प्रॉपर्टी, गुड्स और पैसा, इसका लेन देन अगर हो रहा है बायर अगेंस्ट द कंपनी, राइट, विद इन 6 मंथ्स बिफोर मेकिंग वाइंडिंग अप एप्लीकेशन। क्लियर हो गया ना। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है 329, ट्रांसफर्स नॉट इन गुड फेथ। इसका मतलब है अभी भी कुछ वैसी ही बात चल रही है,
फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस से थोड़ा हटके चल रहे हैं, लेकिन बात वैसे ही चल रही है कि आपने कुछ ट्रांसफर किया है लेकिन वो गुड फेथ में नहीं किया है। एक होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी गुड्स का लेन देन सब चल रहा है नॉर्मल कोर्स में जैसे चलता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ऑर्डिनरी बिजनेस की तरह नहीं लग रहा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की तरह नहीं लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि गुड फेथ में नहीं किया गया या उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो ट्रिब्यूनल को अगर सही लगा तो वो उसे वॉइड करार कर देंगे। देखिए इसमें एक साल की स्टोरी है, देखिए कहता है इसमें एक साल की स्टोरी है कि जब आपने वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करा उसका पिछला एक साल, उस एक साल के दौरान अगर आपने कुछ भी ऐसा किया, लैंग्वेज देखिए, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, मूवेबल इमूवेबल, गुड्स का, है ना, तो गुड्स का आना जाना, प्रॉपर्टी का आना जाना, फिर नॉट बीइंग अ ट्रांसफर और डिलीवरी मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स। ये जो डिलीवरी आपने करी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करी है, ये ऐसा नहीं है जैसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा हो कुछ, और ये किसी की फेवर में, जिसकी फेवर में भी आपने ये ट्रांसफर या डिलीवरी करी है, नॉट बीइंग इन गुड फेथ, नॉट बीइंग फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो नॉट बीइंग को साथ लेके चलेंगे आसान लगेगा। इसका मतलब है रोजाना की जिंदगी जो है उसके दौरान जैसे काम होता है वो नहीं है, कंसिडरेशन भी नहीं है जो ढंग की हो, वैल्यूएबल हो। और गुड फेथ इसका मतलब बैड इंटेंशन है आपकी, गुड फेथ में है ही नहीं ना, इसका मतलब मैलाफाइड इंटेंशन है आपकी, इट्स नॉट बोनाफाइड। वो उसमें पीरियड फिर 6 महीने नहीं है, ध्यान रखना है, 1 साल है प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, और फिर ट्रिब्यूनल को सही लगा तो वो बोल देंगे भैया हम मानते ही नहीं है, ये वर्ड है। He says, such transfer shall be void against the company liquidator. Against the company liquidator मतलब कोई जाके कंपनी लिक्विडेटर को बोले जी ये ट्रांजैक्शन हुआ था इसके वजह से मेरा ये राइट पैदा होता है, तो लिक्विडेटर साहब क्या बोल सकते हैं, अरे भाई ये वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा, साइड हो जाइए। क्लियर हो गया ना, समझ आया। उसके बाद 330 आया, इसमें उसने बोला कि अगर आप ट्रस्टीज को अपनी सारी एसेट्स, हाँ ये वहां ये मेन वर्ड है, ऑल इट्स प्रॉपर्टीज और एसेट्स कंपनी अगर ट्रांसफर या असाइन कर देती है सारे क्रेडिटर्स के फायदे के लिए तो वो वॉइड है। इसका मतलब है पर्टिकुलर केस को देखकर ही आप ट्रांसफर या असाइनमेंट करोगे, ऐसे थोड़ी ना एक ट्रस्टीज को सबके लिए अपने सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ एक बंदे का हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर आता है लाइबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ सर्टेन पर्सन फ्रॉडुलेंटली प्रिफर्ड, अभी भी वही टॉपिक चल रहा है तो अभी इसको ले लेते हैं कि जिनके साथ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हुआ है उनके क्या लाइबिलिटीज और क्या राइट्स हैं, राइट तो गौर करिएगा। कहता है वेयर अ कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, इसका मतलब है वाइंडिंग अप चल रहा है और कुछ भी ऐसा हुआ है जो सेक्शन 328 जो अभी हमने पढ़ा स्टार्टिंग में फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का, वो लग गया और कुछ इनवैलिड नजर आ रहा है, इसका मतलब फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हुआ है, सीधी सी बात है। इसका मतलब है किसी क्रेडिटर की फेवर में आपने अपनी या सिक्योरिटी की हेल्प करने के लिए आपने अपनी किसी की अनसिक्योर क्रेडिटर की फेवर में सिक्योरिटी दे दी है या अपनी एसेट्स को गिरवी रख दिया या मॉर्गेज कर दिया या चार्ज क्रिएट कर दिया, जो भाषा बोल दीजिए, जिससे कि उसकी दिक्कत खत्म हो जाए, श्योरिटी की दिक्कत खत्म हो जाए ऐसा, और ये आप दूसरों का नुकसान करके कर रहे हो तो वो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है, इसलिए सेक्शन 328 उसको फिर बोलेगा कि वो ट्रिब्यूनल उसको इनवैलिड मानेगा और फिर जो ऑर्डर बताएगा वो ही सही माना जाएगा। सो ही सेज इज इनवैलिड अंडर सेक्शन 328 एज अ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस ऑफ अ पर्सन इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड और चार्ज टू सिक्योर कंपनीज डेट, कि जो कंपनी ने लोन देना है उसको सिक्योर करने के लिए प्रॉपर्टी का चार्ज क्रिएट कर दिया गया या उसको मॉर्गेज कर दिया गया, मतलब सीधे शब्दों में उसको गिरवी रख दिया गया, और जिसके साथ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हो रही है, जिसको प्रेफरेंस मिल रही है, वो इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है क्योंकि हमने उसकी फेवर में उसे गिरवी रखा ताकि उसको दिक्कत ना आए। ही सेज देन विदाउट प्रेजुडिस, अब ये क्या है इसको ना जरा समझिएगा, इसमें वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे जो क्रेडिटर और ये हो गई हमारी कंपनी, कंपनी ने इसके साथ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस किया, इसका मतलब है इसकी फेवर में उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, दूसरों का नुकसान करके आप किसी एक का फायदा कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, तो 328 अट्रैक्ट हो गया और इसे इनवैलिड माना जाएगा, राइट right?
तो वो ये कहता है कि अभी हमने पढ़ा था कि ट्रिब्यूनल को जो भी ऑर्डर सही लगेगा वो दे सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल, तो लॉ क्या कहता है कि वो ये कह सकते हैं कि ये जो क्रेडिटर है, कल को जब लिक्विडेशन हो जाता है, वाइंडिंग अप हो जाता है, अगर कंपनी पैसा पे नहीं कर पाई तो मान लीजिए गारंटी दे रखी है तो बारी किसकी आती है? श्योरिटी की। तो जिसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है वो तो फंस जाता नहीं है, वो तो बच जाता है, क्योंकि हम तो वाइंडिंग अप में चले गए, पैसा है नहीं है, हम पे कर नहीं पा रहे, तो जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? जिसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है, दैट इज श्योरिटी। तो कानून ने बोला बेटा वो श्योरिटी तू खुद ही है, अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई ना तेरे को तो तू खुद अपनी जेब में पैसे डाल अपने लिए, तू ही तेरा श्योरिटी है, तू ही क्रेडिटर, तू ही श्योरिटी, यू आर पर्सनली लायबल टू योर सेल्फ। किस अमाउंट तक? जिस अमाउंट तक का मॉर्गेज है या जो तेरा उसमें इंटरेस्ट है, विच एवर इज लेस। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो मॉर्गेज करी गई है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है 60 लाख है, तो 60 लाख तक फिर तू एज अ श्योरिटी जिम्मेदार है। और अगर मॉर्गेज सिर्फ 50 लाख है तो 50 और 60 में से तो फिर 50 लाख हो गया ना लेस, फिर उस केस में 50 लाख तक तू श्योरिटी है, विच एवर इज लेस। इसलिए बोला गया ना कि ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी की वैल्यू है और ये तेरा लोन है, लोन मतलब तेरा अपना इंटरेस्ट सब कुछ मिला के, इसलिए बोला गया मॉर्गेज प्रॉपर्टी का वैल्यू और इंटरेस्ट, विच एवर इज लेस। वहां तक तू पर्सनली लायबल हो जाएगा एज अ श्योरिटी। समझ आया कुछ आपको वो क्या बोल रहा है? अब लैंग्वेज देखेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे ये सब बातें, गौर करिए। कहते देन विदाउट प्रेजुडिस टू एनी राइट्स और लाइबिलिटीज अराइजिंग, जब तेरे जो भी राइट्स या लाइबिलिटीज अराइज होते हैं उसको तो हम टच ही नहीं कर रहे हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोविजन, जो भी कहीं से भी कोई भी राइट्स या लाइबिलिटीज तेरे हैं वो अभी भी हैं। द पर्सन प्रिफर्ड, दैट इज अ क्रेडिटर, शैल बी सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटीज and shall have the same rights as if he had undertaken to be personally liable as a surety for the debt to the extent of the mortgage or charge of the property or value of his interest whichever is less। समझ आ गया होगा कि अब तू, तेरे वही rights और liabilities हैं जो एक surety के होते हैं, हम ऐसे मानेंगे जैसे तू as a surety personally liable है, तूने खुद ही मानी थी ये बात। इसका मतलब तू माने या ना माने तू श्योरिटी माना जाएगा। कौन सी अमाउंट तक? जो मॉर्गेज का अमाउंट है प्रॉपर्टी का और तेरा इंटरेस्ट उसमें से जो कम है, जो मैंने लॉजिकली समझाया अभी 1 करोड़ और 50 लाख वाली फिगर लेके, है ना। अब फिर से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता वेयर अ कंपनी इज बींग वाउंड अप, वाइंडिंग अप चल रहा है, and anything made, taken, done after the commencement of this Act 2013 is invalid under Section 328. इसका मतलब fraudulent preference, और वो कहता है कि वो invalid है as per उसके ऊपर Section 328 attract हो गया, as a आगे भी लिख दिया उसने 328 as a fraudulent preference of a person interested in property mortgage or charge to secure company's debt. Clear हो गया ना language? Then without prejudice to any rights or liabilities arising apart from this provision, the person preferred shall be subject to the same liabilities, shall have the same rights as if, jaise ki, he had undertaken, promised, jaise ki usne promise kiya tha personally liable hone ke liye as a surety debt ke liye, ki debt ke liye main personally liable hu as a surety. तो वही क्रेडिटर हो गया, वही श्योरिटी हो गया। भर बेटा अपने जेब में पैसे अपने हाथ से, चल एक जेब से निकाल दूसरी जेब में डाल, ऐसे हो गया ना। इससे मजेदार क्या बात होगी, समझ में आया आपको? फिर जो उसका हमने बोला विच एवर इज लेस है ना, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, तो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कौन से दिन का देखा जाएगा? जिस दिन फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हुआ था उस दिन के मुताबिक तेरा क्या इंटरेस्ट था वो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। क्लियर हो गया ना। फिर एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल टू मेक पेमेंट। अब ये क्या है? ये है कि एक बंदा ट्रिब्यूनल को जाके बोलता है,
एक पर्सन ट्रिब्यूनल को जाके बोलता है कि कंपनी ने ये पेमेंट करी है सर, और ये पेमेंट गलत है, ये पेमेंट नहीं होनी चाहिए थी, ये ऐसे हो गया। अगर इसकी मैं एक स्टोरी बनाऊं, कि एक है हमारे क्रेडिटा, एक है हमारे श्योरिटी और एक है हमारी कंपनी, है ना, कंपनी डेटर है। अब ये श्योरिटी जो है वो कंपनी को जाके बोलता है कि भैया इसके पैसे दो, क्योंकि आप तो खत्म होने वाले हो, तो मेरे को तो दिक्कत आ जाएगी, मेरी दिक्कत क्यों खड़ी कर रहे हो आप, तो आप इसको पैसे दे दो आप, जिससे कि मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आप इसका कोई जुगाड़ कर दो जिससे कि मैं फ्री हो जाऊं, आप इसको प्रॉपर्टी दो, पेमेंट दो, जो मर्जी करो, कुछ भी करो जी आप। अब वो बनती नहीं है पेमेंट देना या प्रॉपर्टी देना, अभी कुछ नहीं बनता है, लेकिन श्योरिटी कंपनी के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है, फोर्स डाल रहा है, फोर्स कर रहा है कि आप मेरे को कुछ ऐसा फायदा दो जिससे कि मेरे को दिक्कत ना आए, क्योंकि आप दिक्कत में आने वाले हो, आपकी वजह से मैं दिक्कत में आ जाऊंगा, मैं दिक्कत में नहीं आना चाहता। तो इसलिए कंपनी ने इसको पेमेंट कर दी या इसको प्रॉपर्टी दी जिससे कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और श्योरिटी फ्री हो जाए, सिचुएशन ये चल रही है। और ये एक फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है, क्योंकि ये अभी होना नहीं चाहिए था, दूसरों का प्रॉपर्टी या पैसा उनका हक था और आपने इसको दे दिया ताकि ये बंदा फ्री हो जाए, ये कहां की समझदारी है भाई। तो बात अभी भी वही चल रही है। अब कोई पर्सन जाके ट्रिब्यूनल को बता देता है कि सर देखिए ये सब ड्रामा हो रहा है, ये जो पेमेंट हुई है या जो प्रॉपर्टी दी गई है ना सर, ये सही नहीं है, आप इसको देखो सर, स्टडी करो। अब जब ट्रिब्यूनल सारी सच्चाइयां जानेगा तो फिर जो उसे सही लगेगा वो कर देगा। अब प्रैक्टिकली क्या होगा, ऐसे मैं सोचती हूं कि ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा, भैया क्रेडिटर ये पैसा कंपनी को वापस करो, तो क्रेडिटर क्या बोलेगा, सर ये पैसा तो मेरे को मिलना ही चाहिए था, कंपनी नहीं देती तो श्योरिटी देता, तो आप श्योरिटी को बोलो ना वो कंपनी को पैसा दे। आर यू गेटिंग, इसका मतलब इस पूरी स्टोरी में श्योरिटी को भी सीन में लाया जा सकता है। और अब ये जो पेमेंट हुई है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में जो लफड़ा पैदा हो गया, इनके बीच में जो एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि अब कैसे सब कुछ हैंडल होगा, वो सब ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। आर यू गेटिंग, तो जरा लैंग्वेज भी सीखिए, गौर करिएगा। कहता ना एन एप्लीकेशन मेड टू द ट्रिब्यूनल, इसका मतलब कोई पर्सन है जो ट्रिब्यूनल के पास गया विद रिस्पेक्ट टू एनी पेमेंट ऑन द ग्राउंड दैट पेमेंट वाज अ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, कि जो पेमेंट हुई है सर ये फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है सर, ये इसका मतलब ये पेमेंट नहीं होना चाहिए था। प्रेफरेंस किसको हो रही है सर, श्योरिटी को हो रही है सर, इसको बचाया जा रहा है, इसका मतलब ये कंपनी को फोर्स कर रहा है सर कि पैसा वैसा दो भैया मुझे फ्री करो आप। यू अंडरस्टैंड, ही सेज एप्लीकेशन मेड टू द ट्रिब्यूनल विद रिस्पेक्ट टू एनी पेमेंट ऑन द ग्राउंड दैट द पेमेंट वॉज अ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस ऑफ अ श्योरिटी और गारंटर, द ट्रिब्यूनल शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मतलब पावर और एरिया ऑफ कंट्रोल, कि अब इसमें सारा ट्रिब्यूनल के कब्जे में है, ट्रिब्यूनल के हाथ में पावर है, वो जैसा सही लगेगा वो डिसाइड करेगा। तो ज्यूरिसडिक्शन टू डिटर्मिन, इट हैज पावर टू डिसाइड, राइट, इट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू डिटर्मिन एनी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट अराइजिंग बिटवीन द पर्सन टू हुम द पेमेंट वॉज मेड, दैट इज द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, तो बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर, बिटवीन द पर्सन टू हुम द पेमेंट वॉज मेड दैट रेफर्स टू क्रेडिटर, बिटवीन सी एंड एस। अब इसको ऐसे पढ़ो, द ट्रिब्यूनल शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू डिटर्मिन एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट अराइजिंग बिटवीन द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी। इसका मतलब है जब क्रेडिटर और श्योरिटी का मामला ट्रिब्यूनल के पास पहुंचेगा और वहां पे कोई भी क्वेश्चन अराइज होगा इस पेमेंट को लेके, तो उसका ज्यूरिसडिक्शन ट्रिब्यूनल के पास है। इसका मतलब जैसे ट्रिब्यूनल को लगेगा सही वही डिसाइड करेंगे, किसी और, मतलब आप समझ लीजिए कि ट्रिब्यूनल के पास फुल फ्लेश पावर है वो जो भी ऑर्डर दे। देयर बाय अगेन ट्रिब्यूनल हैज ज्यूरिसडिक्शन टू डिटर्मिन एनी क्वेश्चन, ये तीन वर्ड्स पकड़िए, मेमोरी में डालिए, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, पेमेंट अराइजिंग बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी एंड
टू ग्रांट रिलीफ इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, और फिर जो भी रिलीफ सही लगेगा, जो भी ऑर्डर देना चाहेंगे ट्रिब्यूनल, अब वो श्योरिटी से लेके पैसा दिलवाएं कंपनी को या क्रेडिटर से कंपनी को, फिर श्योरिटी से क्रेडिटर को, वो सब उनको देखता है। लेकिन असल बात यह है कि किसी का पैसा किसी के पास जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है एंड दैट इज नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 328। ही सेज टू ग्रांट रिलीफ इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इट इज नॉट नेसेसरी सो टू डू। नॉट विथ स्टैंडिंग क्या होता है, अगर रफ लैंग्वेज में बोले तो विदाउट केयरिंग, टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। बहुत बार सुने आप मेरे से ये वर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। इस सच्चाई के बावजूद या इस बात की परवाह किए बगैर, या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हिंदी आपको समझ में आती है, कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग इट इज नॉट नेसेसरी सो टू डू फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। कि वाइंडिंग अप के पर्पज के लिए ये सब जरूरी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिब्यूनल ये मैटर को हैंडल करेगा, वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल देख रहा है, तो ये मैटर उससे कनेक्टेड हो या ना हो, ये मैटर पे ट्रिब्यूनल ही देखेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जरूरी है या नहीं है वाइंडिंग अप के लिए। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है, बस यही बड़ा मुद्दा है, इसलिए मामला ट्रिब्यूनल तक जाएगा ही जाएगा, और फिर सब ट्रिब्यूनल के हाथ में, उसको जैसे सही लगे, जो भी पॉइंट अराइज होता है वही डिसाइड करेगा क्या रिलीफ देना है क्या नहीं देना है। सो ही सेज नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इट इज नॉट नेसेसरी सो टू डू फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर दैट पर्पज, एक पॉइंट और आ गया, एंड फॉर दैट पर्पज मे गिव लीव, लीव मतलब परमिशन टू ब्रिंग इन द श्योरिटी, जो मैंने बोला स्टोरी में कि जब ये बातचीत चल रही होगी तो वो श्योरिटी को उस पूरी पिक्चर में ले आएंगे, उसके साथ भी लेना देना वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या किसी को देगा लेगा पेमेंट। सो मे गिव लीव टू ब्रिंग इन द श्योरिटी ऑफ गारंटर एज अ थर्ड पार्टी एज इन द केस ऑफ अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ द सम पेड। कि कोई पैसा दे दिया उसकी रिकवरी के लिए केस हो रहा है तो थर्ड पार्टी को बुलाओ, ऐसी श्योरिटी है यहां पे, क्योंकि पैसा देने वाला कंपनी, पैसा लेने वाला क्रेडिटर, हु इज श्योरिटी, इज द थर्ड पार्टी, लेकिन उसको भी सीन में लेकर आओ, बिकॉज उसकी वजह से ही सब हुआ ना तमाशा, उसी ने कंपनी को फोर्स किया ना। समझ आया मेरे ख्याल से आपको, मैं ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ाती हूं क्योंकि नहीं तो फिर लीगल लैंग्वेज कहां से सीखोगे, इसलिए एक भी वर्ड तोड़ा मरोड़ा नहीं है, एज इट इज रखा है, जिससे कि आप साथ साथ इसको समझ सकें। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फिर वो बोलता है जो मैंने अभी अभी बोला था, कहते हैं द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, ये जो हम पढ़ के हटे अभी, ये सबसेक्शन 4 है, शैल अप्लाई म्यूटेटस म्यूटेंडस, इसका मीनिंग आपको पता है, एज इट इज इन रिलेशन टू ट्रांसैक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ मनी। कि यहां पर सबसेक्शन 3 पेमेंट 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 की बात कर रहा है, फिर सबसेक्शन 4 ने क्लियर किया कि अगर पेमेंट ऑफ मनी नहीं है, कोई और ट्रांसैक्शन है, तब भी ये एज इट इज चलेगा। तभी मैंने आपको क्या बोला, पैसा दिया या प्रॉपर्टी दिया है ना, तब भी, तो नॉट नेसेसरली पेमेंट ओनली, इट कैन बी एनीथिंग, तो इट कैन बी प्रॉपर्टी एज वेल, राइट। इसका मतलब है कंपनी ने क्रेडिटर को प्रेफर करा, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हुआ श्योरिटी की वजह से, और उसको पैसा दिया या प्रॉपर्टी दिया, सबसेक्शन 3 अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये सारा मुद्दा ट्रिब्यूनल के हाथ में जाएगा, और ट्रिब्यूनल को पावर है, उसको जैसा भी डिसाइड करना है वो करेगा, और जो भी रिलीफ उसने ग्रांट करना है वो करेगा। सो इनमें आ गया शायद, है ना। तो लेक्चर काफी बड़ा हो गया, आई होप आपको समझ आया, आपने एंजॉय किया इसको, और एंजॉय किया तो मुझे जरूर बताना है आपने, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास होता है ना, इट इज 9911097193। ओके, so do share your thoughts and tell me how you are feeling. ठीक है, मिलते हैं, bye bye.